हे hey फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने अपनी दिवाली कैसे मनाई। तो चलिए मेरे साथ इस छोटी सी प्यारी सी जर्नी में। हमने अपने घर को डेकोरेट किया, काफ़ी सारी डिशेस बनाई। इस भाग दौड़ भरी लाइफ में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वैसे तो हर साल हम लोग मेरे इन लॉज के पास जाते हैं दिवाली मनाने, पर अफसोस किसी वजह से इस साल नहीं जा सके। ये है मेरी बेटी जो अभी 2 साल की है, और हम इसे लेमन कहकर बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत क्यूट सी है और इसे अपना ये नाम बहुत पसंद है। लिटिल लेमन ने अपनी मम्मा की डेकोरेशन में बहुत हेल्प किया। हमने पीतल की एक परात को कई तरह के फूलों से उर्ली पॉट की तरह डेकोरेट किया और सेंटर में एक सुंदर सा दिया सजाया। मेरी कोशिश ये थी कि ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना मैं अपने घर को बहुत ही सुंदर लुक दूं। इस पूजा की टेंट को मैंने अपनी एक साड़ी से डिज़ाइन किया है और बेस में एक येलो कारपेट बिछाया है, जिससे ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। मेरी बेटी को पूजा पाठ, घर और किचन के कामों में अभी से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो इस छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। Say hi. Hi. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Say Happy Diwali, Lemon. Happy Diwali. Wow. और ये हैं मेरे हस्बैंड। इन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया मुझे दिवाली के काम में। इसी को तो कहते हैं असली त्यौहार, जहां सभी परिवार मिलकर एक दूसरे को सहयोग करें और खुशियां मनाएं। हमने साथ मिलकर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आरती की और खूब सारी मिठाइयाँ खाई। मैंने टेबल डेकोर के लिए कांच के छोटे ग्लासेस में वाटर कैंडल्स बनाया, जो मार्केट के महंगे कैंडल से कई गुना ज़्यादा देर तक जलते हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। यहाँ पर मैंने कांच के ग्लासेस को उल्टा करके उसे कैंडल स्टैंड की तरह यूज़ किया और टेबल को थोड़े फ्लावर्स और दिए से सजाया। मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और वाटर कैंडल से फ्लोर डेकोर किया। हम दोनों को ही दिवाली में आर्टिफिशियल लाइट्स से ज़्यादा मिट्टी के दिए जलाना पसंद है, तो हमने अपनी बालकनी को सिंपल दिए से सजाया। और ये रही रंगोली जो मैंने बनाया है और इसे खूब सारे दिए से सजाया है। आप सब मुझे ज़रूर बताना कि मेरी बनाई ये रंगोली आपको कैसी लगी। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपनी ये प्यारी सी मोमेंट शेयर करते हुए आप सबके साथ। थैंक यू सो मच।
एंड फाइनली मैंने काफ़ी सारी डिशेज बनाई थी और उसे ब्यूटीफुली परोसा और हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में ज़मीन पर बैठ कर डिनर किया। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे इस सेलिब्रेशन जर्नी को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।